कि वो ना भाई लगे हुए हैं, उन्होंने ना ये। वालेकुम दोस्तों, हम लोग जा रहे थे जी यूनिवर्सिटी। यहाँ सामने फाटक बंद है, तो खैर फाटक खुलने का वेट करते हैं। फाटक खुलता है तो हम लोग यूनिवर्सिटी चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी से फ्री हो चुके हैं। आज शेब भाई ने ना हमारे साथ बहुत बुरी किया। क्या किया था आज आपने? कुछ नहीं किया भाई। क्या किया था इसने? अच्छा, पहले इसने क्या किया? यार कसमे, इसके इससे बड़े बंदे मैंने नहीं आज तक देखे। इसने ये भी आज इसने पता क्या किया? मेरे हाथ में पैसे थे, ठीक है, इसने वो ना खेच लिया। मैं मांग मांग के दे दो, इसने नहीं दिया। एट द एंड मैंने इसका मोबाइल रख लिया, लैपटॉप रख लिया, फिर इसने मुझे कुछ पैसे वापस दे के अपना लैपटॉप ले लिया। और एट द एंड मुझे कह रहा था मेरा मोबाइल भी दो, मैंने कहा पैसे दो। तब ये पैसे लेके आया, कहता मोबाइल एक हाथ से मोबाइल दो एक हाथ से पैसे लो। मैंने कहा नहीं, पहले पैसे फिर मोबाइल। इसने क्या किया जी, मेरा मोबाइल खेच लिया, फिर पैसे भी मुझे दिए और मेरा मोबाइल भी वापस किया और अपना मोबाइल इसने ले लिया। लेकिन खैर ये तो चलता रहता है दोस्तों में। और घर चलते हैं और घर जाकर ना यहाँ लाहौर मोड़ पे खड़े होकर बस का वेट कर रहे थे। एक चिम आया है लेकिन मोबाइल से ही चला गया, क्योंकि उसको लेट हो रही थी जिसकी वजह से ना मोबाइल से ही चला गया। लेकिन खैर वहाँ पे ना हमें खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये जगह आप लोग देख सकते हैं, ऊपर हमारे सारे दरख्त ही दरख्त हैं और इन दरख्तों की वजह से काफ़ी छाँव है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी हवा भी चल रही है, ठंडी हवा वहाँ पे भी लग रही थी, लेकिन किसी वक्त गर्म हवा लगती थी, किसी वक्त ठंडी हवा लगती थी और किसी वक्त वो हवा बिल्कुल ही नहीं लग रही। लेकिन यहाँ पे आकर बैठने ठंडी हवा लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी मस्त मिल रही है। लेकिन खैर चिमे का वेट करते हैं, चिमा आता तो हम लोग फिर घर चलते हैं। भैया मैं अभी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, यूनिवर्सिटी से मैं आया हूँ तो मैंने देखा कि वो ना भाई लगे हुए हैं, उन्होंने ना ये सारी जो हमारी बैठक बेसिकली लीक हो रही थी, इन्होंने ये सारी जो है वो अच्छे से कर दिया। इसको हम बोलते हैं लिपाई, लिपाई इन्होंने अच्छे से कर दिया, ठीक है। यहाँ तक अब जो पानी उस साइड का है बेसिकली वो उस साइड से निकल जाएगा, जिस साइड का पानी है वो इस साइड से निकल जाएगा। उसके अलावा ये नीचे भी आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी दीवार के साथ जो बेसिकली थे ना सुराख वगैरह और जगह दबी हुई थी, वो भी इन्होंने अच्छे से कर दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सारी। उसके बाद ये बिल्ली बैठी हुई है, और बिल्ली भाग गई। लेकिन खैर ये सारी आप लोग देख सकते हैं, ये भाई ने कर दिया, वो वहाँ से कर रहे हैं ताकि पानी को जो है वो रेहड़ बन जाए और पानी जो है वो उस से ना बाहर निकल जाए पाइप से। खैर सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी भाई ने कर दिया और यहाँ से भी भाई ने अच्छे से कर दिया। फाइनली ये जो सारी जगह थी ये अच्छे से हो चुकी है, तो बस अब नीचे जाते हैं और जाके अपना काम करते हैं। और ऊपर देखो यार, माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत बादल बना हुआ है। और जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था तो रास्ते में ना बेसिकली जब हम कच्चा को एंटर हुए हैं तो हल्का हल्की ना हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन जब मैं स्टॉप पे उतरा हूँ तब भी हो रही थी, और जब मैं बाइक निकाल के वहाँ से निकलने लगा हूँ तो जो बूंदाबांदी है वो रुक गई थी, ठीक है, बारिश बेसिकली रुक गई थी। लेकिन खैर आज ये वाला सीन था जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमारे घर में भाई वो कर रहे थे ये सारी दीवार वगैरह, और उन्होंने बेसिकली जो यार ये देखो माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, जैसे वो नारान कहान और पहाड़ों वाली साइड पे होता है ना व्यू, उसी तरह देखने को मिल रहा है। और उन्होंने भाई जो काम कर रहे थे, उन्होंने छत को छत की लंबाई कर दी है, छत को बेसिकली उन्होंने ना कुछ कर दिया ठीक है। पंजाबी में हम कहते हैं कि छत जड़ी हो असी लंबाई है, लेकिन अब उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। खैर बस दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए।